प्रदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी 600 लोगों की फरियाद। अधिकारियों को हिदायत देते हुए दिए दो टुक निर्देश, कहा प्राथमिकी दर्ज करने और अपराधियों पर सख्ती में ना हो कोई कोताही। उन्नीस दिसंबर को चाकू से वार कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों मनोज और पार्वती शाहनी को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले सूरज जायसवाल ने कुसमेही बाजार में किया फायरिंग। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का, खोराबार पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। फर्जी कूट रचना व धोखाधड़ी कर एफडी का बैंकिंग दस्तावेज बनाकर क्लाइंटों से पैसे ले लेने व गबन करने वाले दो अभियुक्तों योगेंद्र कुमार और संजय के ऊपर गगहा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ ने दी जानकारी। शहर के विभिन्न रैन बसेरों के निरीक्षण के उपरांत सीएम योगी के दिए निर्देश के उपरांत मंगलवार को गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक। रैन बसेरों की व्यवस्था मिली चुस्त एवं दुरुस्त, जलता मिला अलाव। रैन बसेरों में रहने वाले राहगीरों ने कहा गेस्ट हाउस जैसी सुविधा मिल रही है यहाँ के रैन बसेरों में। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बिक्री करने वाले गैंग के तीन अभियुक्तों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सड़क के दोनों पटरियों एवं बीच के डिवाइडर पर ठेले, खोमचे एवं दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध नगर आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। ठेलों को करवाया गया जब्त। 11,200 रुपए का वसूला जुर्माना, कहा आइंदा डिवाइडर पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही। और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा स्नातकोत्तर की कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को शोध के लिए किया जा रहा है प्रेरित, जिससे शोध संबंधी कार्यों को मिले बढ़ावा।